नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर सीजनल के गाने आते हैं, चाहे वो नवरात्रि हो या फिर होली हो, चाहे वो चैत्र का महीना हो या फिर सावन का महीना हो। हर मौसम में हर कलाकार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और अपने गानों से भोजपुरी इंडस्ट्री में अपनी एक अलग छाप और पहचान छोड़ते नजर आते हैं। लेकिन इस कड़ी में खेसारी लाल यादव जो हैं वो सबसे आगे रहते हैं। खेसारी लाल यादव चाहे होली का मामला हो, सावन का मामला हो, हर मामले में वो लगातार सबसे आगे बने रहते हैं और वो अपने गानों से भोजपुरी दर्शकों का दिल खुश कर देते हैं। इसी बीच जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक लोकगीत रिलीज किए जा रहे हैं, तो अब सावन के महीने में खेसारी लाल यादव ने सावन की अभी से ही शूटिंग कर दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर उनके अंदर कितना डिटर्मिनेशन, कितना डेडिकेशन हुए वो नजर आ रहा है। और एक बार फिर से खेसारी लाल यादव और कृष्णा बेदर्ती एक राइटर हैं जो अपने गानों से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक गाने दिए हैं। और फिलहाल उनका एक गाना नथुनिया जो अभी कल ही जो है वो 100 मिलियन क्लब में शामिल हुआ है। तो खेसारी लाल यादव और कृष्णा बेदर्दी का जबरदस्त तरीके का बवाल लोकगीत आने जो बोलबम गीत है वो आने वाला है और उसकी शूटिंग भी दिल्ली में ऑलरेडी हो चुकी है और इसकी तस्वीर खुद जो है कृष्णा बेदर्दी ने साझा किया है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि खेसारी लाल यादव के साथ नजर आ रहे हैं, गेरुआ वस्त्र है और वहाँ पर भगवान शिव का शिवलिंग पड़ा है। यानी कि सावन की शूटिंग जबरदस्त अंदाज में हो चुकी है और ये गाना जो होगा वो बोका म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज होने वाला है। मतलब कि अब सावन के महीने का माहौल अभी से बनना शुरू हो गया है और खेसारी लाल यादव का बड़े बड़े गाने इस महीने भी देखने को मिलेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार कौन सी कंपनी से कौन सा गाना रिलीज होता है, लेकिन बड़ी खुशखबरी यह है कि शूटिंग शुरू हो चुकी है। खैर, बोलबम के गाने को लेकर आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये हमें बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।